ये भाई अपनी हालत में लिखते हैं कि जब मैं छोटा था मुझसे कोई गुनाह हो जाता, मैं बालिग नहीं था, तब मामला कुछ और था। अब बलूगत हो जाए तो मुझे अपना नफ्स रोकता है कि दीनी काम न कर, लेकिन मैं दिली तौर पे मुतमईन नहीं हूँ, तो बताऊँ क्या करूँ। मेरे भाई, अगर आपसे गुनाह हो जाता है, आपका दिल कहता है तुमने गलत किया है, तो हदीस पाक के मुताबिक आप इस गुनाह करने के बाद भी मोमिन हैं, क्योंकि हदीस में है गुनाह करने के बाद दिल आपको कहे बुरा किया और नेकी करने के बाद दिल आपको कहे आपने अच्छा किया, तो आप मोमिन हैं। बाकी गुनाहों से तौबा आप ज़रूर करें, चाहे दिल मानता है या नहीं, दिल माने या न माने, गुनाह से तौबा ज़रूर होनी चाहिए। तो ये ना कहे मेरा दिल नहीं मानता, ये कोई दलील नहीं है। मरीज़ का दिल जितना ना माने, दवाई उसे पिलाते हैं, दवाई नहीं कहा इंजेक्शन में लगा देते हैं, पकड़ो इसको, दो बंदे पकड़ के उसको टीका लगवाते हैं, तो वो दोनों उसके दुश्मन नहीं होते कि इसको सुई चुभवा दें, वो तो उसके दोस्त होते हैं कि इसको दवाई मिले और ये बंदा ठीक हो जाए। तो इसी तरह आप भी इस मामले को देखें, आप पर कोई भाई जो सख्ती करके भी तौबा की बात करते हो तो आप उसको खुशी से लें, इस मसले में अपने नफ्स की बात ना माने, किसी तरतीब पर नफ्स को समझाएँ। शेखुल हदीस वत तफसीर हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहिमहुल्लाह, हज़रत सैयद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के शागिर्द रशीद थे, डेरा इस्माइल ख़ान का बहुत बड़ा नाम है हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह का, ग़ालिबन उन्होंने 50 साल तक तो हदीस पाक का दर्स दिया है। वो एक जुमला बड़ा प्यारा फरमाते थे कि अपने नफ्स के साथ मुआहदा करना सीखो, नफ्स इतनी जल्दी नहीं मानता। वो फरमाते मुआहदा कैसे करें, तो कहा मसलन आपने डेरा इस्माइल ख़ान से पेशावर सफ़र करना है, वो मिसाल देते, तो आपका दिल चाहता है कि मैं इधर उधर बदनजरी भी करूं और इधर उधर भी देखूं, जिक्र भी करूं, अगर चलो लेकिन इधर उधर देखता रहूं। तो कहा आप जब नफ्स को कहोगे ना पेशावर तक तूने जिक्र करना है, तो वो नहीं मानेगा। उसको कहो भाई मुआहदा कर ले, बन्नू तक अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह अल्लाह करते जाएँगे, बदनजरी नहीं करेंगे, आगे इंशाल्लाह तेरी मानूँगा। कहा इस तरह वो मान जाएगा, बन्नू तक जब अल्लाह अल्लाह आप कर लेना, फिर उसे कहें ये करक कुहाट तक अल्लाह अल्लाह कर ले, बस आगे फिर इधर उधर तेरी मानूँगा। तो कहा उतने तक भी मान लेगा, जब कटक को हाल क्रॉस करें तो आपके यहाँ पेशावर रह कितना गया है यार, इतना अल्लाह अल्लाह किया, क्यों सफ़र ख़राब करूं, अब आगे भी मुझे थोड़ा जिक्र करने दे। कहा इस बहाने आप पूरा मामला ठीक कर लेंगे। तो ये नफ्स के साथ मुआहदा होना चाहिए। आपको पता है नफ्स ऐसा शरीर है, वो बड़े बड़े अच्छे आदमियों को भी रोकता है। हमारे एक दोस्त हमें बताते हैं कि मैं रोज़ाना सुबह रोज़ा इस नीयत से रखता हूँ कि कल नहीं रखूँगा, मुझे मेरा नफ्स कहता है कल ना रखना, बड़ी गर्मी है, तो वो अपने नफ्स के साथ मुआहदा किए हुए आज रख ले कल नहीं रखूँगा। अगले दिन सहरी आती है, भाई आज रख ले कल नहीं रखूँगा, वो 30 रोज़े पूरे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नफ्स के साथ मुआहदा करना आप सीखें।